एक बार एक लड़की एक बच्चे को गोद में लेकर के जा रही थी। वो बच्चा थोड़ा सा मोटा था और लड़की जो है बड़ी मुश्किल से उसको उठा पा रही थी और बहुत धीरे धीरे चल रही थी। तो सामने से एक मुसाफिर आ रहा था। उस मुसाफिर ने इस लड़की से पूछा, लगता है बड़ा भारी है। तो लड़की ने कहा, भारी नहीं है, भाई है। दोस्तों, ये बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी के पीछे एक बहुत ही गूढ़ मंत्र छुपा हुआ है जिंदगी का। अगर हम अपने भाई को उठाते हैं तो वो हमें भारी नहीं लगता, लेकिन अगर हमें किसी और को उठाना पड़े तो हमें वो भारी लगेगा। इसी तरीके से जिंदगी में जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हमें उसके लिए काम करना कभी भी एक मुश्किल काम नहीं लगता है। हमें उसको कुछ भी करके बहुत खुशी मिलती है। हम अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उसको खुश देखना चाहते हैं। एक माँ कितनी तकलीफों को सह करके बच्चे को जन्म देती है और उसके पश्चात वो कितनी तकलीफें झेलते हुए बच्चे को बड़ा करती है। इसी तरीके से एक पिता जो अपने बच्चे को प्यार करता है, पूरे दिन रात मेहनत करता है ताकि वो अपने परिवार को हर तरीके की खुशियां दे सके। तो बड़ा से बड़ा जो काम होता है अगर उसको प्रेम के तहत किया जाए तो वो हमारे लिए कष्टप्रद नहीं रहता है, बल्कि आनंददायक हो जाता है। इसी तरीके से जब हम कोई काम करते हैं, चाहे हम ऑफिस का काम करें, चाहे घर का काम करें, चाहे समाज का काम करें, चाहे देश के लिए काम करें, अगर हम वो काम प्रेमवश करते हैं, प्रेम की वजह से करते हैं, तो हमें उस काम को करने में आनंद आता है। और वही काम अगर हम बिना प्रेम के करें तो वो एक जिम्मेदारी बन जाता है, और वो जो जिम्मेदारी है एक बोझ की तरह होती है, जिसको कि उठाना जो है हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, हम बहुत जल्दी उस बोझ को फेंक देना चाहते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर तरीके की समस्याओं को झेलते हुए भी खुश रहते हैं। और वहीं पे ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जिनको कि ईश्वर ने सब कुछ दिया है, लेकिन उसके बावजूद वो खुश नहीं रहते। क्या फर्क होता है? फर्क होता है दोस्तों प्रेम का। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप जिस कंडीशन में है उसमें आप खुश रहेंगे, आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। आप जो भी काम करेंगे मन लगा के काम करेंगे, क्योंकि काम करने में ही आपको आनंद आ रहा है। और वहीं पर जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम नहीं है उसको हर काम एक बोझ लगता है, और इसलिए उस काम को जल्दी से जल्दी निपटा करके वो मुक्त होना चाहता है, और इसीलिए जो उसका काम होता है उसकी कोई क्वालिटी नहीं होती और उसकी जिंदगी में कोई आनंद नहीं होता। तो दोस्तों, अगर हम जिंदगी में आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें जिंदगी को प्रेम करना सीखना होगा, लोगों को प्रेम करना सीखना होगा, क्योंकि जिस जिंदगी में प्यार नहीं है उस जिंदगी में कोई खुशी नहीं आ सकती। और वहीं पे अगर आपकी जिंदगी में प्रेम है तो आप जिस भी कंडीशन में है उस कंडीशन में आप जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं और हमेशा खुश रह सकते हैं।